हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्की क्रिएशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्राफ्ट एंड टॉप बनाना सीखेंगे। ये शॉर्ट कुर्ती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक फैब्रिक लिया है। हमारी जो फैब्रिक है वो टोटल 2 मीटर की है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी फैब्रिक है। सबसे पहले हम अपने फैब्रिक को हाफ में फोल्ड करेंगे बीच से। फ्रेंड्स, बीच से फोल्ड कर लेने के बाद ये देखिए, जो हमारा साइड वाला प्लेस है, हमें चारों साइड में फोल्ड करके सिलाई करनी है। जो हमारा फैब्रिक का पूरा साइड है, हमें पूरे साइड में सिलाई करनी है। सबसे पहले ये हमारा पहला स्टेप है। तो चलिए हम इसके ऊपर सिलाई कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कीप सपोर्टिंग, योर सपोर्ट्स आर रियली वेरी यूजफुल फॉर अस, सो प्लीज़ कीप सपोर्ट। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप कोई सजेशन देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप एक बार देख लो कि किस तरीके से आपको सिलाई लगानी है। ये देखिए, हमने चारों साइड में सिलाई लगा लिया है। सिलाई लगा लेने के बाद हमने इसे बीच से फोल्ड किया है हाफ में। हाफ में फोल्ड कर लेने के बाद अब इसे हम वेथ वाइज दोबारा बीच से फोल्ड करेंगे। ये देखिए, मिडिल से हमने इसे दोबारा फोल्ड किया है। अब ये फ्रेंड्स 4 फोल्ड का हो चुका है, ये हमारा 4 फोल्ड है। इसके बाद फ्रेंड्स, अब चलिए हम इसमें मेजरमेंट करते हैं कि हमें किस तरीके का मेजरमेंट करना है। सबसे पहले हमारी जो फैब्रिक है उसकी लेंथ हमने 28 सेंटीमीटर ली है। इसे हमने शॉर्ट में बनाया है। आप चाहो तो आप इसे लॉन्ग में बना सकते हो। ऊपर की साइड से सबसे पहले हम अपने नेक की मेजरमेंट करेंगे। तो ऊपर की साइड से हमने 3 सेंटीमीटर लिया है। हमने फ्रंट और नेक दोनों की कटिंग साथ में की है। हमने नेक की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर ली है। ये देखिए फ्रेंड, इसके बाद हम एक स्क्वायर शेप बना लेंगे। हमने अपने नेक को गोल रखा है, हमने गोल शेप का नेक बनाया, फिर हम इसे गोल शेप दे देंगे कुछ इस तरीके से। फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स हम ऊपर की साइड से अपने शोल्डर की मेज़रमेंट करेंगे। हमने अपने स्लीव्स की मेज़रमेंट 13 इंचेस रखी है। शोल्डर के लिए हमने 7 इंचेस पे निशान लगाया है। फिर उसके बाद नीचे की साइड हमने 6 इंचेस पे एक निशान लगाया है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद फ्रेंड्स हम वो 6 इंचेस को साइड से मिला देंगे, और अब हम मार्किंग करेंगे कि हमें कितना लेना है। सबसे पहले हमने चेस्ट के लिए 7 सेंटीमीटर लिया है, और 1 इंचेस हमने मार्जिन के लिए ली है, और हम 13 इंचेस पे कमर का निशान और 20 इंचेस पे हिप की निशान लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, कमर के लिए हमने 24 को 4 से डिवाइड किया है। हमने 6 सेंटीमीटर ली है प्लस 1 मार्जिन के लिए। यहाँ पर हमने 7 सेंटीमीटर ली है प्लस 1 मार्जिन के लिए, और हमने जो डॉट किया है उसे हम एक दूसरे से मिला देंगे। और नीचे की साइड फ्रेंड हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। फ्रेंड्स, मेजरमेंट आपको पता होगी, जो भी हमारा मेजरमेंट रहता है उसे हम 4 से डिवाइड करते हैं, और जो आता है
उसे हम अपनी मेजरमेंट ले लेते हैं। जिस तरीके से हमने पीछे की साइड में मेजरमेंट किया था, सेम उसी तरीके से फ्रेंड्स हमें दूसरी साइड में भी मेजरमेंट करनी है। तो चलिए हम यहाँ पर भी मेजरमेंट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हम जो मेजरमेंट कर रहे हैं वो सारी हम फ्रंट साइड में कर रहे हैं। हमें अपने फैब्रिक के सीधे में मेजरमेंट करनी है और हमें निशान बनाना है, क्योंकि हमें इसके ऊपर में सिलाई करनी है। हम क्राफ्ट एंड कुर्ती में पीछे की साइड से सिलाई नहीं करते हैं, हम ऊपर से सिलाई करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए हमने अपने दोनों साइड में निशान कर लिया है। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने नेक की कटिंग करेंगे। हमें यहाँ पर कुछ कटिंग नहीं करना है, बस हमें अपने नेक की कटिंग करनी है। और ये जो नेक हम कट कर रहे हैं, ये हमारा ऊपर और नीचे दोनों से फोल्ड प्लेस है, वहाँ पे हमने कटिंग की है। सो फ्रेंड्स, ये खुला नहीं होना चाहिए, फोल्ड वाला प्लेस होना चाहिए। और ये जो हमने लाइन ड्रॉ किया था, हमें इसके पास सिलाई करनी है दोनों साइड से। बस फ्रेंड्स, हमें इतना ही करना है। तो चलिए हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। सबसे पहले हम अपने नेक की सिलाई करेंगे। तो उसके लिए हमने एक फैब्रिक को कट करके रखा था, ये देखिए फ्रेंड्स, अपने नेक के शेप के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम फैब्रिक जो हमने कट किया है उसके साइड में सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने साइड में सिलाई लगा लिया है। अब उसे हम अपने फैब्रिक के ऊपर रख के उसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। एकदम साइड में हमें सिलाई लगानी है, हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लेना है। तो चलिए हम इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, सिलाई लगा लेने के बाद हमने जहाँ पर सिलाई लगाई है उसके नज़दीक में हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। कट लगा लेने के बाद जो हमने सिलाई लगाई थी वहाँ से हम फैब्रिक को अंदर की साइड में फोल्ड करेंगे और हम इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर भी एकदम साइड में सिलाई लगानी है और फैब्रिक को आपको अंदर फोल्ड करते जाना है और उसके ऊपर सिलाई लगाते जानी है। तो चलिए हम इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने साइड में भी सिलाई लगा ली है। इसके बाद फैब्रिक को आपको उल्टा करके रखना है कुछ इस तरीके से, और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे आपको अब उसके ऊपर सिलाई लगानी है। हमने इसके ऊपर पहले से सिलाई लगा ली थी, तो हमें इसे फोल्ड नहीं करना है, हमें नॉर्मली इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो चलिए अब हम इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेते हैं। सो फाइनली हमारी नेक की पूरी सिलाई हो चुकी है। अब हमें नेक में कुछ नहीं करना है। इसके बाद फ्रेंड्स, हमें अपने कपड़े को बीच से फोल्ड करना है सीधे में। इस बात का ध्यान रखें कि आपको कपड़ा उल्टा फोल्ड नहीं करना है। सीधा हमें फोल्ड कर लेने के बाद जो हमने लाइन ड्रॉ किया था फ्रेंड्स, हमें केवल उसके ऊपर सिलाई लगाते जानी है। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से, बहुत सिंपल है। आपने जो लाइन ड्रॉ किया है आपको केवल उसके ऊपर सिलाई लगाते जानी है। आपने जो मेजरमेंट किया है, जो साइज है, बस उसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट प्रोसेस है। हमें दोनों साइड में सिलाई लगानी है और हमारी क्राफ्ट एंड कुर्ती बनकर रेडी हो जाएगी। इसे बनाना बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा कटिंग भी नहीं होती है, बस नेक के पास कटिंग होती है और इसमें सिलाई भी ज़्यादा नहीं होती है। आपका जो मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग बस आपको सिलाई करना होता है। तो चलिए हम दूसरी साइड भी सिलाई कर लेते हैं फ्रेंड। दूसरी साइड हमें नीचे की साइड से सिलाई करनी पड़ेगी, क्योंकि मशीन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो आप उसके नीचे की साइड से सिलाई करो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से फाइनली हमारी सारी सिलाई हो चुकी है। ये देखिए, हमने अपनी पहली साइड और दूसरी साइड में सिलाई लगा लिया है, आप देख सकते हो। ये देखिए फ्रेंड्स, इस दोनों साइड में सिलाई लगा लिया है। आप इसका फाइनल लुक देख लो। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, कीप सपोर्ट।